लखीसराय से कुमार हिमांशु की रिपोर्ट। किशनकोड़ा से जंगल से हार्डकोर नक्सली गिरफ्तार। लखीसराय जिले के कजरा थाना क्षेत्र अंतर्गत कोड़ा से जंगल से एक नक्सली हार्डकोर गिरफ्तार। गिरफ्तार हार्डकोर नक्सली की पहचान जमुई जिला के बरहट थाना क्षेत्र अंतर्गत मुसरीतार बिचला टोला निवासी कलेश्वर कोड़ा के 30 वर्षीय पुत्र कारू कोड़ा उर्फ अजीत कोड़ा के रूप में की गई है। इस संबंध में एएसपी अभियान मोतीलाल ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि कजरा थाना क्षेत्र अंतर्गत किशन कोड़ा से जंगल में कारू कोड़ा अपने ससुराल में विगत वर्षों से रह रहा था। सूचना मिलते ही एएसपी अभियान द्वारा टीम गठित कर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान ससुराल में रह रहे कारू कोड़ा को गिरफ्तार कर लिया गया। त्वरित कार्यवाही करते हुए उसे जेल भेजा गया। कल रात में ही हम लोग को सूचना मिली थी कि एक नक्सल के बारे में सूचना मिली थी, जिसके बाद हम लोगों ने एसएचओ और एसएसपी और एसटीएफ के साथ बातचीत करने के बाद आपस में शेयर किया, और शेयर करने के बाद जो इसका एक ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसमें हमें सफलता हाथ लगी और कारू कोड़ा एलाइस अजीत कोड़ा, जिनके खिलाफ कजरा थाना में भी भरत में भी केस, कई केस हैं, हम लोगों ने इसके लिए कंफर्मेशन किया। और जब सब कुछ पता किया तो पता चला कि बिल्कुल सही है और इनको गिरफ्तार किया गया। और गिरफ्तारी के बाद जो अभी कोविड टेस्ट कराने के बाद इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। कहाँ से गिरफ्तारी हुई, क्या कुछ बरामद हुआ है सर? बरामदगी में इसके साथ कुछ नहीं हाथ लगा। ससुराल में ये रहा, नया टोला श्री कुसुम कोड़ा से ससुराल में ही रहा करता था। ये रहने वाला बरहट का है, लेकिन पिछले 3-4 सालों से ये यहीं पर रह रहा था। हाल के दिनों में क्या है इसका सर रोल संगठन में? इसका रोल अभी फिलहाल कुरियर के टाइप पर, या कहीं ना कहीं संपर्क इसका है। और पहले चूंकि रहा है, बहुत दिनों से संपर्क में रहा था, जो भी इस एरिया के जो टॉप कमांडर्स हैं उनके संपर्क में रहता था। और ये जेल भी जा चुका था पहले, जेल से आने के बाद भी ये संपर्क में निश्चित तौर पर है। और पूछताछ के दौरान इन्होंने कई सारी बातें भी इन्होंने बताई है। कुल कितना मामला है सर इस पर अब तक? कुल इस पर 6 केस है, 6 केस इस पर है। चर्चित सर कौन सा कांड है इस पर? 11-18 एफ आई आर नंबर था, जिसमें काफ़ी इनका रोल था। आर्म्स एक्ट में भी इसका केस है, नक्सल केस में भी इसका केस है। थैंक यू सर। थैंक यू।